तो और भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हो अविनाश प्रोडक्शन। तो भाई, स्टूडेंट हम बात करेंगे 1.0 पैच नोट के बारे में। एंड यार, आप इंटरेस्टेड हो आने वाले अपडेट्स के लिए तो यार वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना, क्योंकि इरेंगल 2.0 आने वाला है और ये जो आज का 1.0 पैच नोट था वो रिलीज हो गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड यार, क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने पबजी मोबाइल ग्लोबल में, और उसी के बारे में बात करेंगे। तो यार वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, साथ ही चैनल पर तो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब को उसको दबा दो एंड प्रेस कर दो बेल आइकन, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यार ज्यादा बकाते नहीं, वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पैच नोट है उसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया वो है इरेंगल 2.0। तो यार उसमें सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है अपग्रेडेड ग्राफिक्स। तो यार मतलब अपग्रेडेड ग्राफिक्स का मतलब यह है कि यार जो ग्राफिक्स होंगे इरेंगल 2.0 के वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिए जाएंगे, और आने वाले अपडेट में ये हमको काफी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे ग्राफिक्स के अंदर। एंड जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है वो है बिल्डिंग एडजस्टमेंट्स। और भाई वो एक क्या चीज होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको बहुत ही ज्यादा तरीके से अलग न्यू बना दिया गया है, बहुत ही मतलब ऐसे देखोगे ना पहली वाली बिल्डिंग्स को और इनको देखोगे तो यार बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे ये बिल्डिंग वही थी। और भाई काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड यार जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो है एडजस्टमेंट टू लार्ज रिसोर्स पॉइंट, जैसे कि मिल्टा पावर और यार क्वेरी प्रिजन अदर टू प्ले जोन। तो यार इसमें क्या कहा गया है इस पॉइंट में, देखो ऐसा है आप सभी लोग जानते हो, जैसे कि अपना होगा मिल्टा पावर और यार मतलब क्वेरी एंड यार काफ़ी सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनको यार बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से चेंज कर दिया गया है, बिल्डिंग्स और यार उनका घास फूसड़ा जो भी ऐसा है, मतलब ऑल टोटल वहाँ की लोकेशंस को पूरा चेंज कर दिया गया है, रीन्यू कर दिया जाएगा। एंड यार जो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की वो है न्यू मैप एलिमेंट्स। तो यार एडिड ट्रीज वुड वगैरह ये सर टैंक वगैरह, और भाई ये काफ़ी सही चीज़ है। तो यार ये एलिमेंट्स का मतलब ये है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की तरफ, तो जो आपको देखने के लिए मिलती है गाड़ियाँ जो ट्रक वगैरह फूटे पड़े रहते हैं तो गाइज उनको भी चेंज कर दिया गया है, वहाँ पे डाले गए हैं टैंक्स, जैसे कि मतलब वर्ल्ड वॉर हुआ हो बहुत तगड़ा वाला तो टैंक को ऐड कर दिया गया है। तो यार दो चार चीज़ें और होती हैं उनको भी मतलब रिन्यू करके बना दिया गया है। एंड यार अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, तो गाइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर चेंजेस। तो यार इसके बारे में मैंने बता दिया था सेकंड पॉइंट की तरफ ही। तो यार जो बिल्डिंग्स होने वाली हैं उनका स्ट्रक्चर जो होगा अंदर का बाहर का सारा कुछ उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो यार ये होंगे इरेंगल 2.0 के अंदर जो मतलब चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑसम होने वाला है ये अपडेट। एंड यार अभी बढ़ते थोड़ा और आगे। एंड गाइज अभी आगे बात करें तो यार यहाँ पे लिविक इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात की गई है। जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है न्यू वेपन को लेके, वो है M1014 करके एक नया वेपन ऐड होने वाला है अपने लिविक मैप के अंदर। एंड यार जो सेकंड पॉइंट की बात करें वो है आर्ट एंड ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट। तो यार यहाँ पे जो ग्राफिक्स होंगे लिविक मैप के उनको भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा, बिकॉज ऐसा देखो अभी अगर आप खेलोगे तो उसमें यार कलर बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं, और बंदे अगर कहीं सांप बन के लेटा हो तो यार वो दिखता भी नहीं है, तो यार उनको भी चेंजेस करा जाएगा। एंड यार जो थर्ड पॉइंट की बात करें तो स्टेज बैलेंसिंग को लेके बात करी गई है। तो यार ये स्टेज बैलेंसिंग को मेरा मतलब समझ में नहीं आया, ये आखिर चीज़ क्यों होती है मेरे को सच में नहीं पता, होता तो पता था। यार बात करते हैं अगले फोर पॉइंट की तरफ, तो बग्स और फिक्सेस को लेके बात हुई है। तो यार इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाला, बिकॉज ऐसा जो ये फोर्थ पॉइंट है ये ऐसा बवाल है भाई बहुत ही ज़्यादा। जो पबजी मोबाइल के अंदर बग्स होते हैं, बिल्डिंग्स के अंदर घुस गया आधा बंदा आधा बाहर रह गया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होते रहते हैं। तो यार इनको ये पबजी मोबाइल वाले बोल तो देते हैं लेकिन ठीक कभी करते नहीं हैं, मतलब चूतिया काट देते हैं यहाँ पे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा और ये क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ पे चूतिया काट देते हैं सच में यार। अब यार बढ़ते थोड़ा और आगे। तो गाइज इसी पैच के अंदर कुछ और चीज़ों को भी हाईलाइट किया गया है, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी है। चेयर पार्क को लेके, और भाई उसमें जो पॉइंट निकल के वन आता है वो है ट्रेनिंग ग्राउंड 2.0 को लेके। तो यार जो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसको चेंज कर देंगे आई थिंक 1.0 के अंदर, तो देखते हैं यार कैसा होने वाला है। शायद हो सकता है ये हमको PC वर्जन की तरह ही देखने के लिए मिले। एंड यार जो पॉइंट 2 निकल के आता है वो है अपना चेयर पार्क शोडाउन करके, और ये क्या बकचोदी मेरे को नहीं समझ में आई। तो मतलब चेयर पार्क में भी कुछ ना कुछ बकचोदी और नहीं होने वाली है, वो भी देखते हैं अपन लोग क्या होगी। और यार जो पॉइंट नंबर 3 निकल के आता है ये क्या आईलैंड एंड द लेक ऑफ चेयर पार्क, भाई क्या बकचोदी भाई, मतलब समझ में नहीं आती चेयर पार्क पे इतना क्यों जोर डाला जा रहा है भाई, समझ में नहीं आता भाई। कोई बंदा मतलब पसंद भी नहीं करता फालतू के भाई, यही जो चीज़ें होती है ना यही पबजी मोबाइल को बेकार बनाती है, सच बता रहा हूँ।
बहुत ही ज़्यादा घटिया कर देती है पबजी मोबाइल को। एंड यार जो आगे और बात करें तो वो यहाँ पे कुछ नहीं है, यूआई 2.0 को लेके एंड सिस्टम इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, तो जो आपका यूआई होगा उसको चेंज कर देंगे। ये जैसे कि मतलब आपको मैं अभी समझा दूँ क्या चीज़ है। तो गाइस जो यूआई को लेके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे वो यही थी कि जो अपना स्टार्ट वाला बटन होगा वो लेफ्ट साइड को नीचे कर देंगे, एंड यार जो शॉप वाला होगा वो राइट की तरफ ऊपर हो जाएगा, एंड यार जो मैप वगैरह सेलेक्ट करने का होता है वो राइट की तरफ नीचे आ जाएंगे। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने आपको देखने के लिए मिलेंगी, चेंजेस हो जाएंगे। एंड यार ये जो आपको लॉबी देखने के लिए मिल रही है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको पीसी वर्जन में देखने के लिए मिलती है। तो मतलब टोटल आपको बात करें तो यार ये जो पबजी मोबाइल को पीसी वर्जन की तरह बनाने पे तुले हुए हैं, और ये अच्छी बात है हम सबके लिए, क्योंकि यार पीसी वर्जन बहुत ही ज्यादा एडवांस है अपने पबजी मोबाइल से। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, साथ ही चैनल पर आए तो नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। एंड यार क्या सोचते हो आप, कैसा लगा आपको ये पैच नोट, और भाई मेरे को इसके बारे में कमेंट करके बताना आप जैसा सोचते हो। और मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।